أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون रहमतुल्लाहि व वरह ख़वातीन हज़रात हज़रा ख़द कुरान मजीद का 18वां पारा है इसमें सूरह मनून और सूरह नूर मुकम्मल आई है। सूरह फ़ुरक़ान का एक छोटा सा हिस्सा है जो दो बड़ी सूरतें हैं उनकी एक थीमेटिक स्टडी करते हैं फिर की दरियाफ़त करते हैं पहली सूरत है सूर ममिन उसकी शुरुआत कद अफिलाल ममिन अल्लादीन हमफी सलात हिम ख़ाशन मोमिन कामयाब हो गए मैंने आपको बताया कि कशमकश की जब इंतहा थी तो उस ज़माने में ये सूरत नाजिल हुई और मोमिन को बताया गया कि कामयाबी असल में क्या है दुनिया में जो कुछ दिनों की ज़िंदगी है दौलत का पालन इकतदार परिज़ रहना यह असल कामयाबी नहीं है ईमान नहीं तो नाकामी है जिसके पास ईमान है वो कामयाब हो गया व मन जो हजीहानी नारी विल जन्नत फ़कद फाज वो शख्स कामयाब है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिला हो गया और दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी उसके लिए कुछ एटीट्यूड चाहिए कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए इस पारी की शुरुआत में वो एट्रीब्यूट्स बताए गए नमाजों की पाबंदी करने वाले लगवियात में बेकार के कामों में वो लोग मुब्तला नहीं होते अपने तजिकिए पर तवज्जो देते हैं जिनसी उमूर में वो पाक ज़िंदगी बसर करते ही और बहुत से एट्रीब्यूट्स का तस्करा आया और ये बताया गया कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो कुछ दिनों की है उसकी शुरुआत कैसे हुई इंसान गौर करे एक हकीर पानी के कतरे से फिर उसके बाद माँ के पेट में हमल करार पाया फिर उसके बाद वो अलख जोंक लीच की तरह माँ के पेट से चिमट गया फिर वो गोश्त का लोथड़ा बना फिर उस पर हड्डी चढ़ी फिर उसके बाद एक दूसरी ही मखलूक बनकर दुनिया में आ गया जब अल्लाह तबरक तब आउट तब ऑफ नथिंग जब बना सकता है तो इंसान को दोबारा क्यों पैदा नहीं कर सकता कुरान में ये भी मिसालें बार बार आई हैं कि इंसान ये भी गौर करें कि बारिश के बाद जैसे मुर्दा सरजमीन लहलाहा उठती है ये भी तुम्हारे सामने रोज़मर्रा का नज़ारा है आखिरत पर यकीन रखने के लिए तो दुनिया की ज़िंदगी की शुरुआत का तस्करा किया और फिर बताया कि हिस्ट्री में जाकर देखो कितनी कम्यूनिटीज़ थी कितने अकवाम थे जिन्हें ये गुमान था कि उनके मुकाबिल की कोई तहजीब दुनिया में पैदा नहीं हुई लेकिन जब उन्होंने दर पे रसूलों के मोजिजों का इनकार किया तो दुनिया से इस तरह से नस्त नाबूद हो गए क्या उन्हें दुनिया में कोई याद भी नहीं रखता हार्डशिप एंड ट्रिबुलेशन आर ए नेसेसरी मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी जब कोई सोसाइटी अंदर से गदला होने लगती है खराब होने लगती है तो अल्लाह ताला कौमों पर कभी सख्तियाँ भेजता है मुसीबतों में उन्हें मुबला करता है और उसके ज़रिए से अब कम्यूनिटी का प्योरीफिकेशन होता है फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए सवाल आए बार बार आस् दिन उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया उनसे पूछें कि कौन तुम्हें रिस्क खिलाता है उनसे पूछें कि फ़लाँ कैसे हो गया ये टीचिंग का स्टाइल है बच्चों के लिए भी यही सही तरीक़ा है कि सवालात करें और सवालत के जवाब देने के लिए इंसान जब अपने जहन के अंदर जाता है तो टटोलता है और सही जवाब तलाश करने की कोशिश करता है उसके बाद सुरह नूर है ये सूर नूर से जगमगाती है इस्लामी माशरे में नूर कैसे फैलाया जाता है इस्लामी माशरे से अंधेरों को कैसे दूर किया जाए वो कौन सी तालीमत हैं वो कौन से एटिक्वेट्स हैं वो कौन से पनिशमेंट्स हैं जिनके इस्टेब्लिश करने के नतीजे में इंसानी मुआरा पाक होता है इसकी शुरुआत होती है सूरत अंजल ना हा व फर्ज ना हा हमने कैसी सूरत एहतमाम के साथ नाजिल की है और उसकी आयतें तुम पर फर्ज हैं और उसके बाद ये बताया गया कि अज़ानियतानी फजल कुल्ला वाहिद मिनहुम मियात जल्दा जानिया औरत और जानी मर्द हर दो को जब उनका जुर्म साबित हो जाए और तहकीक के साथ साबित हो जाए तो सौ कोड़े मारे जाए और जिसने पाक दामन औरतों पर इल्ज़ाम लगाया साबित नहीं कर सका अस्सी कोड़े मारे जाए वगैरह वगैरह बहुत सी तालीमत आई हैं इसमें वो कवानी बयान किए गए हैं जिससे घरों को पाक रखा जा सकता है जिससे मुस्लिम सोसाइटी के इंटेग्रिटी बाकी हो डिसेंसी बाकी हो उसे महफूज रखा जाए नथिंग मोर अबोरेंट और सोशली डैमेजिंग दैन द स्प्रेडिंग ऑफ रूमर्स अगेंस्ट ऑनरेबल एंड डिसेंट वीमेन एंड एज सच रूमर मांगर्स आर ए रियल थ्रेट टू द सोसाइटी बीबी भी अल्लाहु भी ताला रजाल्लाह पर बाज़ लोगों ने तोहमत लगाई और बताता है कि ये जो रूमर मांगर्स हैं ये रियल थ्रेट्स होते हैं सोसाइटी के लिए इन्हीं से डेंजर है बातों को वैसे ही मुंह दर मुंह फैलाते रहते हैं और आज दौर जदीद में हर इंसान के पास एक गैजेट मौजूद है जैसे ही कोई बात वहाँ आकर टप से गिरी बगैर पढ़े के इंसान बटन प्रेस करता है और फारवर्ड करना शुरू करता है किसी बात की तहकीक नहीं करते फैक्ट चेक नहीं करते कुरान ने सख्ती के साथ मना किया फिर बताया कि दूसरों के घरों में दाखिल हो तो क्या तौर तरीक़े हैं प्राइवेसी बाकी रहे सेंटिटी बाकी रहे लिबास ढंग से हो निगाहों की हिफाजत हो शर्मगाहों की हिफाजत हो औरतों के लिए ख़ास तौर पर कहा गया वला युबदीना जीनतहुन्ना वो अपने जीनत का इजहार ना करें बाज़ लोग जीनत और तखलीक में फ़र्क नहीं करते ये समझ में नहीं आता उन्हें अल्लाह ने जो बनाया वो तख्लीक है और जीनत एक इंसान एडोरमेंट करता है ऊपर से तो उससे मना किया गया वालना बिख्म अला जयूब हिन्ना ओड़नी को अपने जयूब पर जेबों पर यानी अपने सीने पर मार लें इस्लामी तलीमत घर के अंदर कैसे रहें वो सारी बातें आई हैं और सारी कायनात का नूर अल्लाह तबारक बाज लोगों ने जैसे इमाम गजाली वगैरह हैं वो कहते हैं कि कायनात का नूर है अल्लाह ताला और बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत जो फरमाता है वो नूर हिदायत है वाकई ये है कि खुदा को तस्लीम किए बगैर ये कायनात अंधेर नगरी है और चौपट राज है और जब खुदा को तस्लीम किया जाता है तो बा जब कायन है इस कायनात का चलाने वाला इसका डिज़ाइनर इसका इन्वेंटर मौजूद है वो खुदाए ताला है ख़वान हजरात ये इस पारे में पाए जाने वाले मजामी थे अब इस पारे में एक की को लेकर चलते हैं और उस पर हम बात करते हैं वो ये है कि क़ुरान को समझने के लिए बाज मरतबा बायोलॉजी के बेसिक फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है बायोलॉजी के हायर लेवल के इल्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्कूल लेवल के नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि अगर उतना नॉलेज भी हमारे पास हो तो फिर कुरान की बात आयतों को समझने में आसानी होती है कुरान की दो आयतें मैंने यहाँ पेश की हैं एक है इसी पारे के अंदर सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्ला दाबत मिम्मा ज़मीन में जो जानदार पाए जाते हैं उन्हें अल्लाह पानी से पैदा किया पमिन हम मयम शि बतनी वमिन हम मयम शी अला रिजलाइनी वमिन हम मयम शरबा उन जानवरों में से बास पेट के बल रेंगते हैं बास दो पैर से चलते हैं और बास चार पैरों से चलते हैं यखलकल्लुमा या याशाला जो चाहता है पैदा करता है अल्लाह खुल्ली शेर अल्लाह ताली हर चीज़ पर खुदरत रखता है और एक जो पिछले बारे में आयत आई है अवलमयरलदीना कफर हो क्या कुफ्र करने वाले नहीं देखते अन्न समावाती वजा कानता रत खन व और हुमा आसमान बंधे हुए थे मिले हुए थे और हमने उसे फाड़ा और वजालना कुल्ल कुल्ला है और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया अफला अमिन कि अब भी लोग ईमान नहीं लाएंगे सवाल ये है कि हर जानदार को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया क्या मतलब है इसका हजब मामूल आज हम सवाल करते हैं डॉक्टर मोहम्मद जकी किरमानी साहब से जो साइंटिस्ट हैं जिनकी पीएचडी केमिस्ट्री में है मगर वो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पर काम करते हैं अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं कई किताबों के मुसनफ़ हैं और साइंसी दुनिया में कई आर्टिकल्स उनके बहुत नाम और मशहूर हुए हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो कुरान कहता है कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया दौरे जदीद में साइंसी तौर पर कैसे हम तलबा को ये बात समझा सकते हैं बसमान रहीम। अठारहवें पारे में सुर मोमिन की चंद आयात बारह तेरह चौदह ये इंसानी इर्ता इंसानी ज़िंदगी के इर्ता के जो मुख्तफ मराहिल हैं उनकी तरफ इशारा करती नज़र आती हैं इसमें जो चंद असलाहें इस्तेमाल हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है पहली असलाह ये है कि इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ तीन से हुआ यानी मिट्टी से हुआ फिर कहा गया कि तीन को हमने सुलाला में कन्वर्ट किया अब ये सुलॉ क्या है इसके बारे में सुराला की एक तो ख़ुद अब उसके अपने मीनिंग है और एक हम जो जदीद साइंस में जो तस्वर है उसके बारे में तस्करा करते हैं इसके मीनिंग में ये चीज़ शामिल है कि समथिंग वेरी प्योर बिल्कुल प्योर है कोई चीज़ शफाफ़ है और एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है तो इसको हमारा मतरजमी ने मिट्टी का सत सत भी कहा है और लेकिन जदीद साइंस के अंदर एक तस्वुर यह है कि मिट्टी में जो मौजूद इनऑर्गेनिक मटीरियल है उसमें इनऑर्गेनिक जीन्स से ऑर्गेनिक जीन्स का सेपरेशन हुआ है तो ये जो एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने किया है ये सुलाला के जो मीनिंग है उससे खासा कम्पैटबल नजर आता है सुलाला के बाद तीसरा जो अलाह है उसके फौ कनेक्ट जो अहै है वो नुफ़ा की है तो ऐसा महसूस होता है कि नुफ़ा वो गया मकाम है जिसमें सुलाला में कुछ पानी ऐड किया गया है ताकि वो एक बूंद की शक्ल इख्तियार कर ले और लफ्ज़ नुतफा इससे हम अच्छी तरह वाक़ हैं वो एक बूंद की शक्ल इख्तियार कर ले। अब इसमें एक बात बड़ी अहम है कि नुतफा के बाद का जस बाद का जो मरहला है वो अलका का है अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जदीद साइंस ये बयान करती है कि इसको नुतफा को अलका में पहुँचने के लिए बल्कि ये जो आ, इसको इसको रेली, इसको मटेरियलाइज होने के लिए ये ज़रूरी है कि पानी की तादाद बहुत कम हो यानी जो लफ जो नतफ़ा है उसमें बहुत कम पानी हो ताकि एक मखसूस रिएक्शन हो सके और एक चेन रिएक्शन जैसा कि जदीद साइंस अप्लाई करती है कि जदीद साइंस अप्लाई करती है ये सपोज करती है कि चेन रिएक्शन का आगाज़ हुआ आ उस उसके ड्रॉप के बनने के बाद और उसमें कंडीशन ये बताती है कि यहाँ पर पानी की बहुत कम तादाद का होना ज़रूरी है पानी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो ऐसा लगता है कि सुलाना के बाद जो नतफ़ा का जो कन्वर्जन है और नतफ़ा के बाद जो फिर अलका का जो अलाका का जो मरहला है उसमें बहुत कम तादाद पानी की चाहिए और जदीद साइंस कुछ इसी तरह की बात करती है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं इसमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं और उनमें से पानी उसमें से एलिमिनेट होता है और दो दोनों मिल जाते हैं इस सर से फिर तीसरा मिलता है चौथा मिलता है पाँचवा मिलता है और एक लंबी चेन रिएक्शन बन जाता है जाहिर है इलाका एक लोथड़ा है वो एक बड़ा एक माइक्रो मालिक्यूल है तो इसमें इसके लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है तो चुनाचे बहुत हद तक, तक इन मराल में हमें कम्पैटिबलिटी नज़र आती है साइंस के नज़रियात में और कुरान जिस तरह से बयान कर रहा है तकरीबन प्रोसेस भी वही है और मरला और जो जो तरतीब है वो भी उसी तरह की है लेकिन एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो प्रोसेस बयान किया गया है कुरान के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये वो प्रोसेस है जिससे इंसान यानी बनु आदम इंसान यानी आदम की औलाद जिन पैदाइश के जिन मराहल से गुजरती है ये वो मरले की तरफ उन मराहल की तरफ इशारा नहीं है बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू की जो दो असलाहें हैं तीन और सुलह की ये इसकी तरफ इशारा करती हैं ये शायद उस बिल्कुल इब्तायी दौर की तरफ इशारा है जिस वक्त हयात इंसानी का आगाज़ हो रहा था अरे अरे हयात इंसानी की इब्ता हो रही थी तो ये बहुत इम्पॉटेंट चीज़ है और ये हयात इंसानी फिर अरबों साल तक मुहित मख्तल मराहिल से गुजरते हुए उस मकाम तक पहुँची जब आदम की ज़िंदगी का आगाज़ मुमकिन हुआ इन मराहल में क्या क्या हुआ है मुझे लगता यह है कि ये जो तीन चार पाँच एक जो इसराहें इस्तेमाल कुरान के अंदर हुई हैं बल्कि इन्हीं तीन आयतों में इस्तेमाल हुई हैं ये उन मराहिल और उन उन मकामा इंसानी इर्ता के उन मकाम की तरफ इशारा करती हैं जो अरबों साल तक मुहित रहे हैं और ये वही शायद ज़माना है जिसकी तरफ सूर दहर में इशारा किया गया हल्ला तसान ही नमीदार शाह मसकूरा यानी कि ये बहुत तवील मरला है और इंसान एक एक ऐसी शक्ल में मौजूद रहा है जो काबिल ज़िक्र शय नहीं है और बहुत तवील अर्सा है इसको दहर कहा गया है इसको आ, इसको हीन कहा गया है ये वो मरहला नहीं है जो, जो कि इंसान अपनी माओ के पेट में गुजारता है सही बात क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन मेरा ख्याल है कि कर्न के अंदर ये दो मराहल साथ साथ बयान हुए है। एक हैं एक वो जो हम अपनी माओं के पेट में गुजारते हैं एक वो जो इंसान ने बिल्कुल अब दौर में जब ज़मीन बन चुकी थी आज से चार अरब साल पहले उस वक्त से जब जिंदगी का आगाज हुआ जिंदगी की पैदाइश हुई उस मरले की तरफ भी इसमें इशारा किया है अल्लाह आपने डॉक्टर साहब से सुना कि पानी से पैदा करने का मतलब क्या है उसकी मजीद तशरी आप यहां देखिए पानी यानी यह है कि H2O, टू ओ हाइड्रोजन के दो आइटम्स और ऑक्सीजन का एक आइटम दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और वाटर मालिक्यूल बनता है अब उसके जो फवायद इंसानी ज़िंदगी में उसे कोई इनकार नहीं कर सकता पहले पानी के फ़वाद पर देख लीजिए फिर पानी से बनने का मतलब क्या है वो देखते हैं वाटर इज़ अप ऑफ़ बिलियंस ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स ये हाई स्कूल लेवल की बातें हैं फिर यह है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मस्ट हैव वाटर टू सरवाइव ना दरख्त जिंदा रह सकते हैं ना जानदार जिंदा रह सकते हैं पानी के बगैर पानी क्या काम करता है इट कैरीज डिजॉल्व केमिकल्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल टू सपोर्ट लिविंग थिंग्स पानी पहाड़ों से बहता हुआ आता है मुख्तलिफ जगह से आता है जानवर भी पीते हैं दरख्त के लिए भी इस्तेमाल होता है जो ज़मीन में केमिकल्स हैं वो सारे केमिकल्स को डिजॉल्व करके पानी जानदार को उनकी जरूरत के लिहाज से मुहैया करता है वाटर इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस वाटर लेसेंस द बर्डन ऑफ़ योर किडनीज हम जो खाते पीते हैं हमारे किडनी और हमारे गुर्दे उसे फिल्टर करते हैं उस फिल्टर के प्रोसेस में पानी के नतीजे में उसका काम आसान हो जाता है वाटर हेल्प्स योर बॉडी रिकवर फ्रॉम मेंटल एंड फिज़िकल फैटिक जब पानी की कमी हो जाती है तो इंसान का दिमाग थक जाता है जब भी थक जाए तो फ़ौर पानी पीना चाहिए पानी की कमी के नतीजे में इंसान को फैटिक होने लगता है वाटर कैरीज न्यूट्रियट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स इन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम जो कुछ खाते हैं जो न्यूट्रिएंट वो पानी के ज़रिए से जिसम के मुख्तलिफ़ अजात तक पहुँचते हैं अब आइए इस पिक्चर को देखिए जो कुरान ने कहा कि हमने हर जानदार शय को पानी से पैदा किया है ये एक सेल है हर इंसान के बेशुमार सेल्स हैं यहाँ तो मैंने बताया है 37.5 ट्रिलियन सेल्स एक सेल ऐसा होता है उसका न्यूक्लियस ये पार्ट है और इस सेल का बड़ा हिस्सा जिसे यहाँ साइटोप्लाज्म कहा गया ये पानी है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उस पानी को प्रोटेक्ट किया गया है और हर सेल का ये स्ट्रक्चर है यहां बताया गया है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 50 टू 90 परसेंट ऑफ वाटर हर जानदार जो दुनिया में है उन सब में से 50 परसेंट से 90 परसेंट तक पानी ही पानी है इसलिए कि हर सेल के अंदर पानी है और बताया कि एंड दैट एवरी लिविंग एंटिटी रिक्वायर्स वाटर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस टू थर्ड ऑफ ए सेल इज वाटर टू थर्ड का मतलब है 66 परसेंट से ज़्यादा वो हर सेल के अंदर पानी भरा हुआ है और ज़िंदगी या इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा इसी पानी से है और उसके बाद द रेस्ट इज़ ए मिक्सचर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मेनली प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हम जो चावल रोटी खाते हैं गोश्त खाते हैं तो उसका बक़िया हिस्सा हमारे जिस्म का हिस्सा है बड़ा हिस्सा पानी है Your cells turn the raw materials in the food you eat into the molecules your body needs using thousands of different chemical केमिकल हम जो कुछ खाते हैं उसका chemical reaction होता है और हमारे जिसम हमको जो चीज़ें चाहिए और raw materials से वो molecules मिलते हैं और ये पूरा process होता है पानी की निगरानी में पानी की मौजूदगी में पानी हो तो ये सारे अज्जा गज़ा के हजम होने लगते हैं अब तलबा नौजवानों की दिलचस्पी के लिए एक सिंपल बात ये बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सेल्स से पैदा किया सेल्स के टू थर्ड हिस्से में पानी पाया जाता है यानी हमारे जिसम में टू थर्ड से ज़्यादा पानी है बाकी दीगर अज्जा हैं कितने सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर 37.5 ट्रिलियन सेल्स अंदाज़ा है बाद लोगों ने उससे आगे भी बताया है अब अगर इंसान की ज़िंदगी में ये जो सेल्स पाए जाते हैं इन सेल्स को निकाला जाए उसे मेजर किया जाए तो वो ट्वेंटी माइक्रॉन उसका साइज़ है और दुनिया जो ग्लोब है उसका सरकम फ्रेंस फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव अब आप ये देखिए कि इन सेल्स को निकालिए इनको जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए उसका एक थ्रेड बनाइए यानी अल्लाह ने आपको पैदा जो किया वो कैसी अजीम खिलकत है क्या शाहकार है पानी से पैदा किया आपकी बॉडी का बड़ा हिस्सा पानी है सेल्स के अंदर पानी रखा गया है और एक सेल 20 माइक्रोन से और इंसान के जिसम के अंदर ही बताया मैंने कि 37.2 37.5 ट्रिलियन सेल्स हैं उन सेल्स को अगर मेजर करेंगे तो इतना मीटर होता है यानी यह है कि 7 लाख 44,000 फोर किलोमीटर्स ये आपके जिसम के सेल्स को लाइन से आप जोड़कर एक धागा बनाएंगे तो ये हो गया सेवन लैक फोर्टी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स और इस धागे को लेकर अगर आप इस ग्लोब को लपेटना शुरू करेंगे तो उन्नीस मरतबा आप इस ग्लोब को लपेट सकते हैं ये हैं आपके सेल्स इस तरह से अल्लाह ताला ने आपको हैरत अंगेज तौर पर पैदा किया है यह सिर्फ इंसानी जिंदगी का मामला नहीं है सारे जानदार जितने जानदार आप देखते हैं उनमें से जानवर हैं उनमें से बाज़ परिंदे हैं उनमें से बाज़ अर्ज़ हैं उनमें से बाज दरख्त हैं उन सब का मामला यही है हर जानदार को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा साइंस का दरकार नहीं है मैंने आपको हाई स्कूल लेवल के बायोलॉजी के इल्म के ज़रिए से बताया कि सेल्स क्या होते हैं सेल्स के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मा के ज़रिए से वो प्रोटेक्टेड होता है उसका साइज़ क्या है उसके नंबर्स कितने होते हैं और है अंगेज़ तौर पर कितना कॉम्पैक्ट इंसान को अल्लाह बनाया ये बातें कुरान को समझने में मदद देती हैं this means that if you lined up all the cells of an average human end to end the line could circle the earth almost 19 times अब आप इस चार्ट पर देखिए के इंसानी जिंदगी में पानी की जरूरत और अहमियत पानी कितना चाहिए हम पानी पीते हैं पानी की जरूरत सबको होती है यहाँ बताया गया कि बॉडी के अंदर आलमोस्ट सेवेंटी परसेंट वाटर है इंसान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे ब्रेन में सेवेंटी फाइव परसेंट पानी है खून में एटी फाइव परसेंट पानी है स्किन में एटी परसेंट है लंग्स में नाइन्टी परसेंट है बोन्स में ट्वेंटी फोर परसेंट है पानी मसल्स में सेवेंटी फाइव परसेंट है और इसके जो फ़वाद हैं वो फवाद हम जानते हैं उससे हमारी वाकिफियत है एक आम आदमी को कितना पानी पीना चाहिए उसका एक फार्मूला साइंटिफिक फार्मूला ये बताया गया है कि अगर ये आप हैं और आपका वेट जो कुछ है मान लें कि आपका वेट 80 के है डिवाइडेड बाई टू का मतलब हुआ 40, जो नंबर आएगा उसे 8 से डिवाइड करें 40 डिवाइडेड बाय तो इसका मतलब है पांच कम से कम आदमी को पांच लीटर पानी की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से नंबर ऑफ़ ग्लासेस बदल सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से पैदा किया पानी उसकी ज़रूरत है पानी को वाफर मकदार में उसने दुनिया में भेजा हमारी सेहत के लिए हमारे सर्वाइवल के लिए कितना अहम है इस पर आप गौर कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए ख़वान व अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये सारा जो मजमून है हमीद सिद्दीकी साहब अमेरिका में रहते हैं साइंटिस्ट हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं उनकी किताबें क़ुरान फॉर ऑल टाइम्स उसमें इस तरह के बेशुमार मज़ामीन आप देख सकते हैं अब है एक्टिविटी मेक ए चेक लिस्ट ऑफ द ट्रेड्स ऑफ ए सक्सेसफुल मोमिन एंड रेट योर सेल्फ इस पारे की शुरुआत में अल्लाह तबरक ने कदाफलाहल ममिनों से जो आयतें शुरू की हैं उसमें अल्लाह ने मोमिनों के कुछ अवसाफ गिनाए हैं आप उन अवसाफ़ को लिख लें और अपने आप को रेटिंग करें कितना कामयाब है नमाजों की कितनी पाबंदी करते हैं बेकार कामों में कितना लगते हैं और बेकार कामों से कितना अपने आप को बचाते हैं अपने नफ्स के तस्की पर कितनी तवज्जो देते हैं और कितनी गफलत होती है और इस तरह के दीगर उमूर उसे आप नंबर दीजिए आने स्केल ऑफ वन टू टेन मेजर कीजिए अपने आप को और आप देखिए कि कितने कामयाब हैं नंबर दो डू यू स्प्रेड फॉरवर्ड अनकनफर्म मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हर मैसेज फॉरवर्ड करने लगते हैं दुश्मनों की साजिश ये है कि मुसलमानों को डराया जाए खौफ के अंदर मुबतला किया जाए हरासा और परेशान किया जाए और आप उसी तरह की चीजें भेजते हैं जद करने वाले वीडियोज गलत सलत नंबरात वाले वीडियोज़ वो वीडियोज़ वो डाटा वो नंबर्स जिसे पढ़कर जिसे देखकर कर आजम और हौसला पस्त हो जाए फैक्ट चेक नहीं किया जाता है और धड़ाधड़ से फ़ॉरवर्ड करते हैं आपका क्या माजरा है आप फॉरवर्ड करने के शौकीन हैं आप फैक्ट चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं अगर आपने फैक्ट चेक नहीं किया तो सुर नूर में अल्लाह ताला ने बताया कि रूमर्स फैलाने वाले समाज के लिए बहुत नुकसानदा होते हैं कि कहीं हम भी अफवाहों को फैलाने वालों में शुमार न हो जाएं। डू यू प्रे फार नूर इन योर लाइफ आसमान और ज़मीन का अल्लाह ताला नूर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के लिए दुआ करते थे फ़जर की नमाज़ के लिए जब घर से निकलते अल्लाहम्ज अलफ़ी कल्बी नूर हों वफ़ी समूर हूँ वफ़ी बसर नूरा व आई यमीनी नूर हूँ व अन शिमाली नूरा व अमिन फ़ौख़ी नूर वमिन तहति नूरा व आदिम ली नूर आई योम़यामा और ऐसी बहुत सी दुआएँ हैं अल्लाह से नूर तलब करें आँखों में नूर हो कल्ब में नूर हो ज़ुबान में नूर हो आगे पीछे दाएँ बाएँ नूर हो नूर में आप ज़िंदगी बसर करें क्या आप नूर के लिए दुआ करते हैं अगर नहीं करते तो उन दुआओं को नोट कीजिए ख़वान हजरात इससे आज इस पारे का लेसन ख़त्म होता है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताली हमें कुरान मजीद में ग़ौर फिक्र करने की तोफ़ी फरमाए और उसे समझने के लिए आज के ज़माने के लिहाज से अगर कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो तो उसे भी हासिल करने की हमें तोफ़ी तह फरमाए आमीन व आखिर عن الحمد لله رب العالمين